जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने जीवन में खुश होंगे। तो सभी को दिल दिल से नववर्ष की शुभकामनाएं। तो आज की भी ये जो वीडियो है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने वोटर आईडी में अपना एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ईजी प्रक्रिया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि क्या भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हर एक चीज़ में आपको इस वीडियो में पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने इस पे बनाया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें voter.esi.gov.in के होम पेज पर आकर के यहाँ पर लॉगिन कर लेना पड़ेगा। पहले अगर आपको नहीं पता कि यहाँ लॉगिन कैसे किया जाता है, तो वीडियो के एंड में एक वीडियो आएगा, ऊपर में आप देख पाएंगे। मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर लॉगिन कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जैसे यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो इस तरह का होम पेज खुलेगा। फिर नीचे हमको इस वाले ऑप्शन पे आना है, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज एंड एग्जिस्टिंग सिंग्स, इलेक्ट्रॉल रोल या फिर रिप्लेसमेंट के लिए। वहाँ फॉर्म 8 है, इस फॉर्म को हमको अप्लाई करना पड़े, इसी फॉर्म को हमको भरना है। तो इस फॉर्म को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, एक नया इंटरफेस ओपन होगा। देखिए हमने क्लिक किया, एक नया इंटरफेस ओपन हुआ। अब यहाँ पूछ रहा है एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर इलेक्ट्रॉल, तो हमको यहाँ अदर पे भरना है। अदर पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसका एपिक नंबर मांगेगा, ईपीआईसी यानी कि वोटर आईडी नंबर मांगेगा। देखिए हमने अदर पे क्लिक किया, यहाँ पे एपिक नंबर भरा, यानी जिस व्यक्ति का एड्रेस हमको चेंज करना है उसका वोटर आईडी नंबर मारते सबमिट मार दिए हम, तो उसका एक डिटेल आ गया। ठीक है, ये पूरा डिटेल आ गया। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करेंगे तो हमको एक फॉर्म खुलेगा एक और, जिसमें देखिए इसमें चार अलग अलग तरह के सवाल पूछा है। शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस यानी रेसिडेंस बदल गया, या फिर किसी तरह का एंट्री में भूल चूक हो गई उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर रिप्लेसमेंट अगर आपको कराना ना है विदाउट करेक्शन, मतलब कि एक तरीके के तीसरा ऑप्शन डुप्लीकेट हो गया। और चौथा वाला है कि जो अगर विकलांग जन के लिए, कोई अगर विकलांग व्यक्ति है तो उसके भी आप भर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा हमारा तो एक ही है सर, जो है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, वही है, हम उसी को भरेंगे। अब इसमें भी हमसे दो सवाल पूछ रहा है, विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो हम विदिन में ही करेंगे, क्योंकि हमारा आउटसाइड नहीं है। आउटसाइड का मतलब हुआ कि आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, तो फिर इसके लिए आउटसाइड है। हमारा विदिन ही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली सेम ही है, बशर्ते जगह थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। तो हम विदिन का ही, विदिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ऑप्शन है इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए हम अभी जैसे इसको क्लिक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा ऑप्शन पहले से भरा हुआ आपको दिखेगा। ये देखिए, जैसे हमने विदिन कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेस्ट बंगाल हुगली ले लिया है, जिस भी पर्सन का है। एपिक नंबर डालने पर ही ऑटोमेटिकली ले लेगा अगर वो विदिन असेंबली रहेगा तो। फिर नीचे जैसे जैसे हम आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हमको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते देखिए एप्लीकेंट का नाम, उसका एपिक नंबर आपको दिख जाएगा, फिर उसका आधार नंबर हमको डालना है, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर अगर अवेलेबल है तो, या और ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो हम तीनों चीज़ को भरेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करेंगे इसको हम। एक जैसे नेक्स्ट करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन एक और खुल गया, आई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर। ठीक है, तो इसमें शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया, बाकी और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप करवा सकते हैं। तो उसके नीचे जो देखिए यहाँ पे
एड्रेस फिल करने का फॉर्म ऑप्शन हमको दे दिया है। ध्यान रखिएगा, इसमें वही एड्रेस फिल करना है जो आपका अपने आप अपने वोटर आईडी में चेंज कराना चाहते हैं, यानी कि आपका जो नया वाला एड्रेस है वो आपको डालना है, और उससे संबंधित आपको 2 MB का एक PDF डॉक्यूमेंट भी उसको अपलोड करना पड़ेगा। नीचे देखिएगा, उसका ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। और जैसे से आप इसको भरेंगे ना, तो इसमें पूछता है कि आपको बोल रहा है कि आपको अगर नया एड्रेस वाला अगर वोटर आईडी चाहिए तो आपको पुराना एपिक जो है उसको सरेंडर करना पड़ेगा, अगर वो नया वाला अगर आपका नया बन जाएगा तो। देखिए, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी डालने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, करेंट पासबुक हो गया, पासपोर्ट हो गया, ज़मीन के कागजात हो गए, और फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट, या फिर आप एनी अदर डॉक्यूमेंट मतलब या फिर जो आप काउंसलर से रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो बनता है, या फिर डोमिसाइल हो गए, या फिर ग्राम पंचायत से जो निवास प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं, वो सारे अदर में आ जाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट डाला, उसका फाइल हमने अपलोड किया। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वही प्लेस डालना पड़ेगा भाई। प्लेस डालने के बाद हम यहाँ पे सीधे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे फिर देखिए, हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कैप्चा कोड है, अब इसको हम भरेंगे। चलिए कैप्चा कोड को फिल करते हैं, देखते हैं। हमने कैप्चा कोड फिल कर रहे हैं 35H। चलिए प्रीव्यू एंड सबमिट, चलिए देखते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे अब हम लोग। सॉरी, लगता है गलत हो गया है कैप्चा कोड, हमने वो गलत भर दिया। चलिए फिर से भरते हैं कैप्चा कोड को। भरने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे तो देखिए इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये आपका एक रेफरेंस नंबर दे देगा, ठीक है। इस रेफरेंस नंबर को आप चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, और इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान प्रोसेस था ये। अब बड़े इजी तरीके से घर बैठे आप चाहे तो अपना वोटर आईडी में एड्रेस जो है आराम से आप चेंज करा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। इस नंबर को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा एक। तो साथियों, देखा आप लोगों ने देखा कैसे घर बैठे आप इजीली अपना वोटर आईडी में एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप था। इसमें एक स्टेप और ऐड ये हो जाता है कि जो आप सबमिट करने के बाद जो आपको फॉर्म जो डाउन उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद उस पर अपना करेंट साइज का एक करेंट पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद उसको नज़दीकी जो जहाँ सरकारी कार्यालय में जहाँ वोटर आईडी से संबंधित काम होता है वहाँ उसको ले जाकर आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद और कुछ नहीं करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको लेकर के रखना है। वहीं से आप ट्रैक कर लीजिएगा कि भाई कि हमारा जो अभी जो प्रोसेस है वो कहाँ तक अभी आगे स्टेप हुआ है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आप लोगों से मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।